घर के तमाम नल पे गुब्बारा चढ़ा के हज़ारों रुपये बचाएं। आज भी हमेशा की तरह मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आपने एंड तक पूरा देखना है। तो चलते हैं हैक नंबर वन की तरफ। बहुत यूज़फुल, आपके बहुत ही काम आने वाला है। इस तरह के आयल को पैकेट को अक्सर हम यूज़ करके ना फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जुगाड़ लगाने लगे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ना कट कर लिया है, और कट करके जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा हुआ था। हमने क्या करना है कि गूंदा हुआ आटा, जब हम आटा गूँध लेते हैं ना, तो इस तरह से ये रैपर जो होता है ना ऑयल का पैकेट, इसको हमने काट के इस तरह से ना हमने आटे के ऊपर इस तरह से लगा देना होता है। तो जो भी उसके अंदर जो ऑयल रह जाता है ना, वो आटे के ऊपर लग जाता है। इस तरह आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और पैसों की बचत भी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो पैकेट होते हैं फेंक देते हैं, उसके अंदर ऑयल लगा होता है। तो कैसी लगी टिप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी छोड़ के ना जाया करें। अक्सर लोग होते हैं ना स्किप करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ छोटी सी वीडियो होती है इसको पूरा देख लिया करें। यहाँ पे मेरे पास ये औज़ार है। अक्सर हमारे घरों में इस तरह की ना चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं, हमारे अक्सर काम आने वाली होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब इधर उधर पड़ी होती हैं तो मिल नहीं रही होती है, उनको जंग भी लगने का खतरा होता है। तो यहाँ पर मैंने ना प्लास्टिक की बोतल को इस तरह से काट लिया है, और इस तरह काटने का फ़ायदा ये है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, इसमें से निकाल लेंगे, इसको जंग भी नहीं लगेगा। आपने बोतल को अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है, पानी ना इसमें मौजूद हो। तो इसको आराम से रख लें, जब ज़रूरत हो यहाँ से निकाल लें, और ये गुम भी नहीं होंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और जो अभी अभी मेरे चैनल को नए नए देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और इसको लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें खुशी होती है, हौसला अफजाई भी होती है। और प्लीज़ सपोर्ट किया करें, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ। ये वाली टिप मेरी आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। इस तरह के जो रैपर होते हैं ना मायोनीज़ केचप के, हम अक्सर फेंक देते हैं, ये आपके बहुत ही काम आने वाले होते हैं। प्लीज़ इनको ना फेंका करें। इस तरह से अक्सर हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको टीका लगता है, तो डॉक्टर कहते हैं ठंडे पानी की टकोर करें या फिर ना बर्फ़ की करें। तो आपने क्या करना है, इसको पानी को भर के ना ऊपर फ्रीज़ कर लेना है, और बच्चों को टकोर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये वर्क करेगा। और अगर ना किसी के जिस्म में दर्द हो रही, पेट में टकोर करना, या टांगों में, हाथ पाँव, बाजू पर, गर्दन पर, आपने इसके अंदर ना गर्म पानी फुल भर लेना है, ठीक है जी। और ये इतना सख्त रैपर होता है, ये बिल्कुल भी इसमें पानी ठंडा नहीं होगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी भर के ना अपने हाथों और पैरों पे, जहाँ पे आपको दर्द हो रही है ना, इसके साथ टकोर करनी है। आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, और इसको आज के बाद मत फेंकिएगा। कैसी लगी टिप ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये वाला हैक मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बहुत ही काम आने वाला है। चले चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना ऐसे हमारे घरों में अक्सर टूटियाँ लगी होती हैं ना, नल वगैरह लगी होती हैं, तो उनके अंदर ऐसा होता है कि जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा, और उनमें से पानी जो होता है ना बहुत ही कम आता है। इस तरह की पुरानी नल भी होती हैं, अक्सर नई जो होती है उनमें भी जंग लग जाता है ना पानी की वजह से। तो हमने क्या करना है, बहुत ही आसान टिप है। एक हमने गुब्बारा ले लेना जिसके साथ हमारे बच्चे खेलते हैं, और सिरका ले लेना, और हमने मीठा सोडा ले लेना, खाने का सोडा, ठीक है, सबके घरों में मौजूद होता है। इस तरह से मैंने बलून के अंदर उसको भर लिया है, और यहाँ पे हमने नल के ऊपर लगा देना। जिस भी आपकी नल के अंदर जंग लगे ना, इस तरह से दबाते जाएंगे, इसका प्रेशर जो ना ऊपर तक जाएगा, सिरका और जो मीठा सोडा इतना ज़बरदस्त कमाल दिखाएगा ना, इसके अंदर से तमाम सारी जंग जो है ना ख़त्म हो जाएगी, और जो पानी वो खुल के आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं हैक नंबर हमारा जो फाइव है, बहुत ही कमाल की टिप है ये भी। इस तरह के हमारे चार्जर होते हैं ना, तो अक्सर होता है कि हम लगाते हैं ना, जब उसके पीछे से वायर ख़राब हो जाती है। हमने क्या करना है कि बलून का जो अगला हिस्सा ना थोड़ा सा काट लेना है, और इसके ऊपर हम इस तरह से ना, मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आप इसको आजमा के देखें। इस तरह करने से जब भी हम अपना चार्जर को लगाएंगे ना मोबाइल के अंदर, तो उसकी पिन जो होती है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अक्सर खींचते हैं ना बच्चे, तो हमने इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देना। ये मैंने गुब्बारे का ही रबड़ बैंड बनाया हुआ, बहुत ही सस्ता सा घर में बन गया। इस तरह से होगी ना हमारी हज़ारों की बचत। तो इस तरह से हम छोटी छोटी टिप्स करके ना अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो टिप को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं हैक नंबर सिक्स की तरफ। इस तरह के ताले और चाबियां हमारे घरों में अक्सर मौजूद होते हैं, तो आपको पता है कि यूज़ करके ना उसमें जंग लग जाता है। अक्सर ऐसा होता है ताला जल्दी खुलता भी नहीं, चाबी हम लगाते हैं। आपने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ घर में ही हमने करना है, पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करने, हमारे किचन में मौजूद है। हमने क्या करना है कि किचन से ना माचिस की तीलियाँ उठानी है, उनके आगे मसाला लगा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये वर्क करता है। आपने क्या करना है, चाबी के ऊपर ना इस मसाले को इस तरह से रगड़ना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको ना इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरह करने से ना बहुत ही मुलायम हो जाएगी, यहाँ पर भी थोड़ा सा कर लेंगे, और ये इससे आप जब ताले के अंदर चाबी लगाएंगे बहुत ज़बरदस्त फटाफट से खुल जाएगी। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, दिक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी, इससे आपके पैसे बचत हो जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।